नमस्कार दोस्तों, आज आपको दिखाएंगे डिश टीवी की छतरी लगी हुई है इसमें मेरे पास, और इस पे ये मोनो ब्लॉक एनबी भी लगी हुई है जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। अब डिश टीवी की छतरी में आप देख रहे होंगे ये प्रॉपर लगी है, जो कि इसका अभी जो डायरेक्शन मिला है प्रॉपर डिश टीवी में मिला है। अब इसको मैं आपको दिखाऊँगा कि अगर आप सन डायरेक्ट का सिग्नल मिलाना चाहते हैं तो सिग्नल कैसे आएगा और कहाँ पे आप देखेंगे। सबसे पहले आपको दिशा का भी ध्यान रखना है, किस दिशा में आपका डिश टीवी है, किस दिशा में एयरटेल चलेगा, कौन सी दिशा में टाटा चलता है, इस दिशा में आप हिसाब से चलेंगे। आप देख रहे होंगे मैंने लगाया है इस पर ये मोनो ब्लॉक एलएनबी है, ये मेरी सर्विस केबल जो एक नीचे से भी आई हुई है, और एक ये मैंने जोड़ा अलग से। मेरे पास है सेट हीरो कंपनी का ये डिजिटल मीटर है, जिस पे मैं आपको दिखाऊंगा इस पे, इसकी बिना मदद से भी आप बना सकते हैं, बट ये आपके लिए अगर आपके पास है तो सही है। अब मैं इसे आगे आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन पे मिलाऊंगा, जबकि जो कि डिश टीवी मिला हुआ है आपका कोई बड़ी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अब इस पर आप देख रहे होंगे मैं पीछे से पिन करूँगा और इसकी डायरेक्शन को सन डायरेक्ट की डायरेक्शन में मिलाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सन डायरेक्ट का क्या डायरेक्शन होगा क्या नहीं है। अब साउथ ईस्ट में आपका डिश टीवी चलता है, देखिए इसके जस्ट बाजू में आप आ जाइए, हल्का इसको छतरी को घुमाइए, जितना कम हो सके फ्री डिश में आपका आ गया है। अब फ्री डिश से हल्का थोड़ा सा और बगल में आप आ जाइए, मतलब वेरी इजीली तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि आप अगर आपसे डीटीएच का नॉर्मली सिग्नल बनाते बन रहा है या कि नॉर्मली डायरेक्शन आपको मालूम है साउथ ईस्ट की वेस्ट बाजू में, ये देखिए मैं अपने हल्के हाथों से ये इसको क्या है बिल्कुल साउथ ईस्ट के बीचों बीच ला के और बिल्कुल डीटीएच के यहाँ आप देखेंगे आ जाएगा, जबकि मैं मीटर को ध्यान नहीं दे रहा हूँ एक अनुमान से, क्योंकि आपके पास हो सकता है मीटर ना हो या कि आप किससे मिला रहे हैं, अगर आपके पास नीचे डीटीएच भी है उससे भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप देख रहे होंगे मेरी डिजिटल मीटर भी चल रहा है इस पे भी, लेकिन आपको डीटीएच की फ्रीक्वेंसी पे चलता है इसलिए इसे हल्का थोड़ा सा कम और लेना पड़ेगा, कम हल्के हाथों से आप इसे लीजिए। मैंने इसे कम से कम डिटेल में मिलाया है, और सन डायरेक्ट की जो सेटेलाइट है आप देख रहे होंगे ये ईस्ट डायरेक्शन आती है और ये साउथ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है और ये साउथ ईस्ट के बीचों बीच है, जस्ट इसके बाजू में आपका सन डायरेक्ट चलता है और इसके बाजू में आप इतना यहाँ पे करेंगे तो वीडियो कौन चलेगा। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि मेन होती है डायरेक्शन की जानकारी, नॉर्मली भी आपके पास है जानकारी तो आप मिला पाएंगे। देखिए जबकि डिश टीवी की सिग्नल है ईस्ट डायरेक्शन से आपका साउथ डायरेक्शन मैंने लिया है और बीच मैंने सेट किया है, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही आसान तरीका है। मेरे पास ये भी इस मीटर से भी आप बना सकते हैं, अगर ये मीटर भी आपके पास है इस मीटर से भी आप ईजिली तरीके से बीप की आवाज़ आएगी और जब आपका सिग्नल क्वालिटी बढ़ेगी तो आपका ये 3 से 10 की तरफ आएगा, वहीं पे आसपास ये जहाँ जिस जगह में आपका सिग्नल कट मतलब आने वाला होगा या कि आ रहा होगा वहाँ पे ज़रूर ये कटआउट या कुछ ना कुछ हो ब्लिंक करने लगता है, वहीं पे आपको छोड़ना है, या कि नहीं भी है तो आप आसान तरीक़ों से मेरे बताए गए कि एक दिशा के अनुसार आप आजू में कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।